नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज़ में आपके साथ मिथुन कुमार शर्मा। अभी हम मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड अंतर्गत केशवपुर गांव में आए हुए हैं और केशवपुर हाई स्कूल के पास आए हुए हैं जो गांधी मैदान से विकसित है। दुर्गा पूजा चल रहा है, सभी लोग दुर्गा मेला देखने जा रहे हैं। उसके बाद दशमी का दिन बहुत ही बेसब्री से इसलिए भी इंतजार लोग करते हैं कि कहीं कहीं बहुत ही अच्छे ढंग से रावण दहन होता है। लेकिन रावण दहन आप लोग अक्सर सुनते होंगे, लेकिन इस बार और आज का वीडियो में कुछ खास इसलिए है कि रावण के साथ साथ कुंभकर्ण जी का भी दहन होने वाला है। दोनों भाई का एक साथ दहन होगा, जिसको देखने के लिए आप सभी लोग को यह चैनल के माध्यम से आमंत्रित किया जा रहा है। ये बड़ा बड़ा जो देख रहे हैं गोर हाथ, ये कुंभकर्ण और रावण जी का है, देख सकते हैं। और इसमें बड़ा बड़ा बम भी लगाया गया है, कहा है कि जब वो जलेंगे तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ होगा। यानी कि इसका व्यवस्था इसलिए कराई जाती है कि रावण और कुंभकर्ण का चीखने का आवाज़ आएगा, जो रावण और राम जी के समय में मिलता था। कुछ यहाँ के ग्रामीण हैं, इनसे जानेंगे कि कब इसका मतलब कितना बजे से दहन होगा। 24 तारीख को विजयदशमी के दिन दहन किया जाएगा, 5:05 पर इसका टाइम रखा गया है। टाइम भी फिक्स है, 5:05 जी जी जी। कितना लोग आते हैं आसपास? यहाँ 5-6 गांव है, यहाँ के बगल में सटे हुए हैं, उसमें आता है 10-15 हज़ार दर्शक आ जाते हैं। कई जगह तो यही सुनने को मिलता है कि खाली रावण ही जलता है, आप लोग कुंभकर्ण जी जला रहे हैं। कुछ अलग कर रहे हैं जिससे दर्शक लोग आए, ये चलती जलाया जाता है। कुंभकर्ण को भी जला रहे हैं, क्या है कहाँ से दिमाग में? बहुत जगह जलता है और यहाँ मैंने रावण और कुंभकर्ण को पिछले साल हम लोग रावण को ही दहन किए, तो हुआ कि जो साथ में कुंभकर्ण भी जलाया जाए, तो इसलिए इस बार बहुत बड़ा यूनिक हो गया है। जी, जगह का नाम क्या हुआ? ये केशवपुर, केशवपुर गांधी मैदान। अच्छा, कितना साल से रावण कुंभकर्ण जलता है? ये पिछले साल से हम लोग जलाने क्या, ये 26वां महोत्सव है दुर्गा पूजा का। अच्छा। और पिछले साल से रावण दहन है और इस बार कुंभकर्ण के भी। अच्छा, कुंभकर्ण कितना दिन से जला रहे हैं? 2 साल से। ये दूसरा साल है? दूसरा साल है। कैसे दिमाग में आया कि कुंभकर्ण को भी एक साथ, दोनों भाई के एक के साथ लड़ा, कहीं जिंदा हो गए तो? जिंदा ऐसे कैसे हो जाएंगे, मरे जिंदा हो जाएंगे। उनका शरीर को आप लोग जलाते हैं जी? पुतला कितना दिन से ही बन रहा है? पुतला लगभग 2 महीना से बन रहा है। कहाँ के कारीगर ही बना रहे हैं? जी, हमारे गाँव के ही है। इससे पहले बार जो बना था तो कुछ बाहर से आए थे, लेकिन इस बार सब हम लोग गांव के ही आदमी लोग बनाए हैं। आप लोग आपस में मिल रहे कि इसका कोई कारीगर है? आपस में भी है, पूरा ग्रामवासी भी है और कुछ कारीगर भी हमारे साथ उधर है जो काम कर रहे हैं अपने, वही गांव के ही है। कितना खर्च होगा लगभग? लगभग इसमें लाखों का खर्च आ रहा है। लाखों का खर्च 2 मिनट में जल के राख? 2 मिनट में जल, इन लोग का करने का फल है जो 2 मिनट में जल के राख हो जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि रावण और कुंभकर्ण का करनी का फल मिलता है। आज के समय में रावण और कुंभकर्ण कोई भी अपना बेटा का नाम काहे नहीं रखता है, पता है? काहे कि ये लोग का जो करनी था, ये लोग का जो विचार था, ये विचार इन लोग का बहुत ही गंदा था और वही गंदा के कारण ये लोग चलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतना ज़्यादा यहाँ पर भीड़ लगता है और इतना ज़्यादा व्यवस्था किया गया है कि आप लोग यहाँ पर आके देख सकते हैं। हम आपको थोड़ा सा झलक दिखाने का कोशिश करेंगे। देखिए ये क्या चीज़ है, रावण कुंभकर्ण, ये रावण है भैया। देखिए ये रावण है, इतना बड़ा अभी सोया हुआ है, मतलब ये तो अभी मरा हुआ है, लेकिन इसको खारा किया जाएगा 24 तारीख को यानी विजयदशमी के दिन, और 5:05 ये इनका दाह संस्कार का टाइम रखा गया है। दाह संस्कार इनका हो जाएगा, जल के ये राख हो जाएंगे। 5:10 पर नहीं आइएगा, 5:00 अगर आप 5 मिनट पर आइएगा तो जलता हुआ तस्वीर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो बड़ा सा है, ये है कुंभकर्ण महाराज जी, जो बड़ा बड़ा इनके शरीर में भाला भी फोंका गया था तो नहीं उठे थे, लेकिन कुंभकर्ण नाम, कुंभकर्ण जैसा काम और कुंभकर्ण जैसा लोग इनको जलाएंगे भी, ये देखना आप नहीं भूलिए। ये कुंभकर्ण का जो तस्वीर है आप देख रहे हैं, ये अभी सोए हुए हैं बेचारा, लेकिन जलने के जिस दिन इनको जलाया जाएगा उस दिन इनको खड़ा किया जाएगा। और लाखों की संख्या से बना रहा है यहाँ के समाज के लोग, देखने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आपको केशवपुर, गांधी मैदान, सकरा प्रखंड, मुजफ्फरपुर जिला और बिहार में आना ना भूले। 1 महीना से लगातार जो कारीगर रावण और कुंभकर्ण का निर्माण जो कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। कितना दिन से भैया लगे हुए हैं इसमें? 1 महीना से। 1 महीना से भैया तक रेडी कर दीजिएगा, बस 24 तारीख को फाइनल खड़ा हो। अभी मरे हुए? अभी तो मरे हुए। तो तैयार आप लोग कर रहे हैं? नहा वहाँ के तैयार कर रहे हैं? हाँ, जाके जला देना। कितना खर्च इसमें है? खर्च तो इसका भैया ना 1 लाख रुपया लग जाएगा। 1 लाख रुपया लग जाएगा 1 महीना से आप लोग? हाँ। कारीगर साहब अभी बेचारा का
लेपा पोती चल रहा है जो बढ़िया से तैयार करके इनको जलाया जाएगा। तो आप देख रहे थे हिमांशी न्यूज, मैं आपके साथ मिथुन कुमार शर्मा।